दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में गुरु पूर्णिमा पर्व कब है, जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इनकी पूजा का दिन होता है गुरु पूर्णिमा, जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का महापर्व सोमवार 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन अनेक मठों एवं मंदिरों पर गुरुओं की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और आषाढ़ मास की समाप्ति होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 को सायकाल 8:21 से प्रारंभ होकर 3 जुलाई 2023 को सायकाल 5:08 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गुरु पूजन का महापर्व 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन अपने गुरु की पूजा करने पर व्यक्ति को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु देवता तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, अतः यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों को समर्पित है। शिष्य अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे, वहीं जिनके गुरु नहीं हैं वो अपना नया गुरु बनाएंगे। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा के समान है और मनुष्य योनि में किसी एक विशेष व्यक्ति को गुरु बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हुए उन्हें सही राह दिखाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने ब्रह्मलीन गुरु के चरण एवं चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हैं। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो इसी दिन वे श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणार्पित करते थे। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की। पुष्प मंडप में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए थे, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रम में लोग आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।